शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो आसन है वो है नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जहां पर भी होंगे। अभी फिलहाल दिल्ली का जो मौसम है बहुत ही खुला खुला सा मौसम है, बहुत ही खिली हुई बहुत ही अच्छी धूप निकली है, गुलाबी सी धूप निकली हुई है, बट जो एयर क्वालिटी है वो अभी बहुत साफ नहीं है। जी हाँ, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो अभी भी बहुत खराब है। जो AQI है दिल्ली का, दैट इज स्टिल मोर देन 250, क्लोजर टू 300। एयर क्वालिटी जो है वो अभी भी बहुत खराब है। इस एयर क्वालिटी की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। जो पार्टिकल्स हैं पॉल्यूटेंट्स के जो एयर में हैं, वो हमारे अंदर धीरे धीरे दाखिल होते हैं, हमारे अंदर पहुंच जाते हैं। जब ये हमारे अंदर पहुंच जाते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के रोग होने शुरू हो जाते हैं। अभी हमने पिछले साल देखा कि कोविड के दौरान भी हमारे लंग्स का, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम का स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। अभी नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का, इसका अभी हमें कुछ पता नहीं है, पर फिर भी ये वेरिएंट जिस तरीके से फैल रहा है लोगों के बीच में, फिर से हमारे लंग्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है। चलिए, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए आज मैं आपको बताता हूं कि हम ऐसे कौन से योगासन कर सकते हैं जिससे कि हमारे लंग्स स्ट्रांग बनेंगे और हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है, हमारे इनहेल और एक्सहेल करने की जो कैपेसिटी है वो कैसे बढ़ेगी। हमारा सबसे पहला आसन है सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन के लिए हम उल्टा अपने मैट पर लेट जाएं। उल्टा लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के नजदीक रखना है। एल्बो से हम ऊपर तक उठेंगे, हमारे लंग्स ऊपर की ओर खींचेंगे और हमारी पीठ, हमारी कमर नीचे की ओर। इस आसन में हम थोड़ी देर रुके रह सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं हम 5 से 10 सेकंड के लिए हम इसमें रुक सकते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे हम अपनी समय अवधि को इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारे लंग्स पर, हमारे आर्म्स पर, हमारे शोल्डर्स पर और साथ ही साथ हमारी पीठ, हमारी कमर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, सरल भुजंगासन। हमारा दूसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए भी हम अपने मैट पर उल्टा लेट जाएं, अपने पैरों को फोल्ड करके और अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ें। इसके बाद हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे, जिसमें हमारा अपर बॉडी भी ऊपर की ओर आएगा और हमारे पैर भी ऊपर की ओर उठेंगे, जिसमें हमारी थाइस मैट से ऊपर उठ जाए। हमारा पूरा वजन, हमारा पूरा जो सेंटर है वो हमारे नाभि पर आएगा। इसमें हमारे पूरे एब्डोमेन की मसल्स, हमारे पूरे एब्डोमेन के ऑर्गन स्ट्रेच होते हैं। हमारा लंग्स, हमारे किडनीज, हमारे पैंक्रियास, हमारे एड्रेनल ग्लैंड, इन सारी जगहों पर धनुरासन का असर आता है। हमारा तीसरा आसन है चक्रासन। चक्रासन के लिए हम सीधे अपने मैट पर लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने हिप्स के नजदीक लाएंगे, अपने दोनों हाथों को उठा करके अपने शोल्डर्स के पास, अपने कान के पास अपने हथेलियों को रखेंगे। फिंगर्स हमारी अंदर की ओर रहेंगी, टुवर्ड्स आर शोल्डर, हमारे शोल्डर्स की तरफ। धीरे धीरे हम अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाएं और अपने हाथों को, पैरों को सीधा करते हुए अपने पूरे एब्डोमेन को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। इस पोजीशन में हम 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। चक्रासन से हमारे पैरों पे हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव, हमारे रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर और ग्लैंडुलर सिस्टम पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। यह हमारे लंग्स को पूरी तरीके से स्ट्रेच करता है, जिससे कि हमें इनहेल और एक्सहेल करने में मैक्सिमम ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर की ओर एक्सहेल करते हैं। हमारा चौथा आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हम पहले वज्रासन में बैठें, वज्रासन से खड़े होते हुए अपने घुटनों पर आएं, अपने एक हाथ को पूरा घुमाते हुए पीछे अपनी हील्स तक लाएंगे। इसी प्रकार हम अपने दूसरे हाथ को भी घुमाते हुए पूरा अपने पीछे हील्स को टच करें, अपनी गर्दन को पूरा फ्री फ्लो पीछे की ओर छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन को, अपने पेट को और अपनी कमर को आगे की ओर पुश करेंगे। हमारे घुटने से और ऊपर हमारे सीने तक, हमारे गले तक पूरा स्ट्रेच। इस कंडीशन में, इस पोजीशन में हम अपने आप को 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे।
और फिर वापस। उष्ट्रासन से भी हमारे पूरे एब्डोमेन में, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम पे बहुत ही जोरदार असर आता है, जिसका जो लाभ है वो हमारे ओवरऑल बॉडी पे धीरे धीरे महसूस होता है। अगर ये चार आसन आप रोज करते हैं या अपने एक्सरसाइज रूटीन में इन चार आसनों को इंक्लूड करते हैं, तो ये आपके लंग्स को और मजबूत और स्ट्रांग बनाएगा, जिससे कि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जल्दी नहीं होंगी, आप एक हेल्दी लंग्स के साथ एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो कैसे हम अपने लंग्स को मजबूत बनाएं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।